राजौरी के सरकारी कॉलेज विद्यार्थी की हृदय गति रुकने से हुए बमबार में विद्यार्थियों ने सरकारी अस्पताल राजौरी को काफी नुकसान पहुंचाया और सड़क मार्ग को जाम कर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे एसपी राजौरी सहित 3 अन्य पुलिस जवान घायल हो गए व पुलिस के जवानों ने आला अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई करते हुए वस्तुति को शांत करने के लिए 10 के करीब आंसू गैस के गोले भीड़ पर दागे। तनवीर हुसैन 18 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट है, जिसकी डेथ फिल्म बोर्ड के की थी एक हार्ट अटैक की वजह से कॉलेज प्रीमाइसिस के अंदर, और जब उसको रश किया गया हॉस्पिटल तो यहाँ ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था। एम्बुलेंस का इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में डिले था क्योंकि अभी पोस्टमार्टम भी नहीं था हुआ, पोस्टमार्टम की भी एग्जामिशन भी अभी ना सीख की गई थी ना ग्रांट की गई थी, क्योंकि ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में जो डेथ कॉलेज प्रीमाइसिस में हुई है उसमें पोस्टमार्टम मैंडेटरी होता है और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हमें करने की जरूरत होती है जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट ना करें। इसी दौरान जब तक एम्बुलेंस को कि इन्होंने कहा कि एम्बुलेंसेज नहीं थी हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 एम्बुलेंसेज हैं जिनमें से 4 कल रात को और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जम्मू में डिप्यूट की गई जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे उनके एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। एक जो रिप्लेसमेंट हमारे पास मजाकोट से आई जब यहाँ पे रोड ब्लॉक रही उसकी वजह से नहीं पहुँच पाई, इसी तरह से पुलिस की गाड़ी हमने डिप्यूट की वो भी लगभग 1.5 घंटा वहाँ पर बंद रही है। एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई, स्टूडेंट्स का उसमें कुछ आक्रोश रहा, कुछ प्रोटेस्ट उन्होंने किया जिसमें हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी भी डैमेज की है। जो मैटर को क्योंकि मैंने खुद इंक्वायर किया है उसमें मैंने देखा कोई सीरियस लैप्स किसी के एंड पे नहीं आता है, क्योंकि जो डेथ है वो कॉलेज प्रीमाइसिस में हुई है। एम्बुलेंस का है वो हमने रिव्यू किया है कि यहाँ पे शॉर्टेज किस कारण था, क्योंकि 15 मिनिमम एम्बुलेंसेज हमें रिक्वायर्ड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसके कंपेरिजन में अभी मेरे पास 5 एम्बुलेंसेज हैं जिसमें हम मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट्स का के साथ हमारी इंट्रैक्शन हो रही थी स्पॉट पे जब हमने बात की, उसमें से कुछ लोकल्स ने स्टोन पेंटिंग की जो कि स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं थे, और कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई ऐसे भी किए हैं विदाउट यूनिफॉर्म और लोकल जिन्होंने हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी डैमेज की है। और जब इशू सेटल हो गया हमने फैमिली के साथ बात की, उनसे रिटर्न लेके पोस्टमार्टम को फॉर्मली एग्जेप्ट किया, और जब बॉडी यहाँ से डिस्पैच की एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट ट्रायल्स के लिए 50,000 का असिस्टेंस भी दिया, और वो सब डिस्पर्स होने के बाद कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स को आगे रख के एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने स्टोन पेंटिंग की, और जिसकी वजह से 2 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हैं, और उसकी वजह से हमें टीयर गैस यूज़ करना पड़ा उनको डिस्पर्स करने के लिए। जो लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों की कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सामने आए हैं जो कॉन्स्टेंटली इंस्टिगेट करते जा रहे हैं मॉब्स को डिफरेंट इंसिडेंट्स में, उनकी भी प्रोफाइलिंग हमें करने की जरूरत है, और पुलिस को डायरेक्शन दी गई इसमें एक FIR लगाने के लिए, और जो भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें है प्रॉपर्टी डैमेज करने का या पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक करने का, जैसे सीनियर ऑफिसर के साथ भी एक स्कफल की जब नेगोशिएशन के दौरान बातचीत के दौरान, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन दी गई।